विष्णु व अन्य देवगण भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध का आयोजन करें, किंतु पार्वती अनुमति नहीं देती। तब कार्तिकेय स्थिति स्पष्ट करते हैं, उधर तारकासुर आक्रमण की तैयारी करता है, युद्ध आरंभ होता है। शिव कृपा से कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होता है तथा कार्तिकेय स्तंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कार्तिकेय सहित सभी देवगण कैलाश भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। शेर सेनाधिपति कुमार कार्तिकेय की जय। विजय शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महाशक्तिशाली पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री को प्रणाम। प्रणाम माता। मेरा पुत्र विजयी होकर आया है। यह विजय पुत्र की नहीं, माँ के आशीर्वाद और पिताश्री की शक्ति की हुई है। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। अब आप सब देवगण से मेरी प्रार्थना है कि निर्भय होकर स्वर्ग लौट जाएं। आपके कार्य में विघ्न डालने वाला तथा आपकी शांति को भंग करने वाला तारकासुर मारा गया है। अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। नारायण नारायण। पूर्ण रूप से सुरक्षित क्यों देवर्षि? अब भी आपको देवगण की पूर्ण सुरक्षा में कोई शंका है क्या? बताएं देवर्षि, अब बाधा कहाँ है? बाधा और शंका का कोई सजीव अथवा साकार रूप नहीं होता देवराज। नारद, तुम देवराज को सदा शंकित करते रहते हो, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? मुझे क्या कहना है भगवान, कहना तो आप त्रिदेव को है, और जो आप कहना चाहते हैं कभी कभी मुझे कहना पड़ता है। नारायण नारायण। देवराज, मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि तारकासुर मारा अवश्य गया है, परंतु पुनः ऐसा असुर उत्पन्न न हो जाए जो स्वर्ग पर अधिकार करने की कुचेष्टा करे। देवर्षि, आपके विचार गणना अथवा मत से भविष्य में ऐसी कोई संभावना है क्या? नारायण नारायण। देवराज, आप संकेत समझने का अभ्यास करें। यदि अग्नि में हाथ डाला न जाए तो उसके जलने का प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि अग्नि में हाथ डाल ही दिया जाए तो उसके सुरक्षित रहने की संभावना समाप्त हो जाती है। देवराज। देवराज इंद्र, नारद ये कहना चाहते हैं कि सुकर्म का फल शुभ तथा कुकर्म का फल अशुभ होता है। हमारे विचार, कर्म और उद्देश्य के सुर जब बेसुरे हो जाते हैं तो कब, कैसे और कहां से असुर उत्पन्न होकर हमें कष्ट देने लगते हैं, हमें इसका ज्ञान ही नहीं होता। अर्थात रंग विलास और विनोद में अपना समय व शक्ति नष्ट न करके उसका सदुपयोग किया जाए तो शुभ परिणाम प्रकट हो सकते हैं। क्यों नारद, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? आप त्रिदेव अंतर्यामियों से क्या छिपा है प्रभु? नारायण नारायण। यहाँ कैलाश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है, और वहाँ नक्षत्र लोक में कृतिकाओं की क्या दशा हो रही होगी, भोलेनाथ ही जाने। चलकर मुझे उनकी पीड़ा से परिचित होना चाहिए। नारा। कार्तिकेय की स्मृति हमारे मन की पीड़ा का कारण बन गई है। जगत की हर माता के साथ ऐसा ही होता है। उसका पुत्र यदि उसकी आँखों से दूर हो जाए तो उसका मन विकल ही रहता है। जगत की माताओं की चर्चा करने से हमें क्या लाभ होगा? इससे मन को शांति तो मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब हम कार्तिकेय को देख पाएंगे। तो उसके लिए नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
देवर्षि आप? प्रणाम। कल्याण भव। आप तो नारायण का नाम स्मरण कर अपने मन को शांत कर लेते हैं, हमारे कल्याण का भी तो विचार करें। पुत्र कार्तिकेय के बिना हमारे प्राण निस्तेज हो रहे हैं। देवियों, आपका पुत्र दिन प्रतिदिन तेजस्वी होता जा रहा है और आप निस्तेज हो रही हैं। अर्थात? अर्थात नहीं देवी, यथार्थ कहो, यथार्थ। आपके पुत्र कार्तिकेय ने महाबली तारकासुर का वध करके असुर सेना पर विजय प्राप्त कर ली है। देवलोक से लेकर कैलाश तक उनकी जय जयकार हो रही है। नारायण नारायण। कार्तिकेय ने तारकासुर को धराशाही कर दिया? उसको, उसके सेनापति और सेना तीनों को। हमें अपने विजयी पुत्र से मिलना चाहिए, उसे बधाई देने के लिए। बधाई अथवा आशीर्वाद? नारायण नारायण, बधाई तो आप सभी को दी जानी चाहिए। यदि आप उसे कैलाश न भेजती तो कुमार कार्तिकेय तारकासुर को कैसे मारते? अब हमें अविलंब कैलाश चलना चाहिए। तो विलंब किस लिए? चलो। फिर क्या हुआ कुमार? वो ना क्या था, जब तारकासुर ने मुझे देखा तो हंसा, खुलकर हंसा। जब मैंने उससे हंसते हुए देखा तो मैं भी हंसने लगा। पर कुमार, तुम्हें क्यों हंसी आ गई? अरे, मैं तो तारकासुर से पूछने नहीं गया था ना कि है तारकासुर, तुझे हंसी क्यों आई? फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंसी का क्या, आ जाती है, उसे आई तो मुझे भी आ गई। देखो देखो, तुम्हें भी हंसी आ गई ना। फिर भी कुमार, तारकासुर के हंसने का कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। हाँ हाँ, कारण तो होता ही है, वह मेरे हाथों मारा गया इसका भी एक कारण तो है ही ना। वह ये समझ कर हंसा होगा कि ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक उस महाकाल से कैसे युद्ध करेगा। पर कुमार, तुमने तो उससे युद्ध भी किया और उसे मारा भी। यह ज्ञान तो तुम्हें है, उसे तो नहीं ना, वो तो मारा गया। उसे क्यों नहीं, जब मरा तो उसे ज्ञान नहीं हुआ। अरे, कैसे बालकों जैसी बात करते हो तुम। अरे, बालक तो मैं भी हूँ। हाँ, मेरे द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र से वो मरा। जब वो मरा तब उसे ये ज्ञान तो नहीं रहा ना कि वो मर गया है। कैसी दुर्गति हुई उसकी, युद्ध आरंभ हुआ उसकी हंसी से और अंत हुआ उसकी मृत्यु से। अहंकारवश हंसने का परिणाम यही होता है। नारायण नारायण। देवऋषि को प्रणाम। देवऋषि को प्रणाम। कल्याण भव, आयुष्मान भव। आसन ग्रहण करें देवऋषि। नंदी, तुमने अथवा जगत के किसी भी प्राणी ने नारद को कभी किसी आसन पर बैठे हुए देखा है? नंदी, भ्रमण करने का भोग मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सभा क्यों जुटी हुई है? कुमार, हमें युद्ध के अनुभव सुना रहे थे। नहीं देवऋषि, मैंने सुना नहीं रहा था, ये सुन रहे थे। अद्भुत, घोर आश्चर्य, तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण सुन रहे थे। नारायण नारायण। वैसे कुमार कार्तिकेय, ये सूचना बिना पहुंचाए नक्षत्र लोक में भी पहुंच चुकी है तुम्हारी माताओं के पास कि तुमने तारकासुर को मार गिराया है। माताएं? पर बिना पहुंचाए उन्हें ये सूचना कैसे पहुंच गई कि यह कार्य मैंने किया है? नारायण नारायण। वैसे ही कुमार कार्तिकेय, जैसे तुम्हारे बिना सुनाए शिवगण तुम्हारे अनुभव सुन रहे थे। देवऋषि, कैसी है मेरी माताएं? वे कभी मुझे याद करती है? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, वे हर समय मेरी आंखों के सामने रहती हैं। उनसे मिलने की बहुत इच्छा होती है देवऋषि, उपाय बताए मैं उनसे कब मिल सकूंगा? न जाने कैसी होगी मेरी माताएं।
हमारा पालित पुत्र कार्तिकेय कहाँ है और कैसा है? पालित क्यों कहती हो, वो तो तुम्हारा ही पुत्र है, रहता अवश्य मेरे पास है, पर तुम सभी को याद करता है और बातें भी तुम्हारी ही करता है। हमारी बातें करता है? मेरे पास जब बैठता है तो उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। बता रहा था कि 6 माताओं के अनुसार 6 रानियों का राजा बनना तय किया था। आंख मिचौली खेलते हुए भी छोटे होने के कारण दया धर्म की जो बातें किया करता था उसकी भी चर्चा करता है। खेल खेल में भी आंख और मुंह खोलने देता था तुम सबको, वह भी बता रहा था मुझे। पर वो है कहाँ? आ जाएगा, यही कहीं शिव गणों के साथ खेल रहा होगा। देवी पार्वती, तारकासुर का वध तो हो चुका है। जिस उद्देश्य से नंदी महाराज कार्तिकेय को यहाँ लाए थे वो अब पूर्ण हो गया है। अब आप पुनः कार्तिकेय को नक्षत्र लोक भेज दें। हाँ देवी, अब हमें कुमार लौटा दें। कुमार के बिना अब हमसे नहीं रहा जाता। आज उसे हमारे साथ भेज दें। नहीं नहीं, ये संभव नहीं, कुमार अब वापस नहीं जाएगा। नंदी महाराज जब कुमार को लेने हमारे पास आए थे तो हमने भी कुमार को भेज ही दिया था ना। अभी अभी आपने ये भी तो कहा है कि वो हमारा पालित पुत्र नहीं, पुत्र ही है। माताएं, कुमार कैसे हो कुमार? मैंने आज सब बताए, आप कैसे हो? हे भगवान शंकर, महेश्वर, आप हम पर कृपा करें, कुमार को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान करें। देवी भव्याकृति, तुम ये सत्य कैसे भूल रही हो कि कुमार कार्तिकेय पार्वती के पुत्र हैं। इनके साथ अन्याय करना हमसे तो नहीं हो सकेगा, क्या तुमसे हो सकेगा? पार्वती भी कुमार के बिना कैसे रह सकेंगी? तुमने 10 वर्षों तक कुमार का लालन पालन किया, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारा फिर क्या होगा भोलेनाथ? तुम सभी को मन पर संयम और धैर्य रखना होगा। हाँ, जब कभी मन करे और इच्छा हो तो तुम कुमार से मिलने यहाँ कैलाश पर सहर्ष आ सकती हो। माताओं, मैं जहाँ भी रहूंगा सदा आपके पास ही रहूंगा। मेरा नाम तो आपके नाम से ही जुड़ा है। कृतिकाओं का अर्थात आपका पुत्र होने के कारण मैं कार्तिकेय हूँ। तुम सदा प्रसन्न रहो, हम सब यही चाहती हैं। हाँ कुमार, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और हम सबकी प्रसन्नता के लिए मेरी ये इच्छा है कि आप सभी कृतिकाएं कुमार के विजय स्वागत में भाग लेकर उसकी आरती उतारने में मेरा साथ दें। हाँ देवी, हम सभी आपका अवश्य साथ देंगे। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जय हो तुम्हारी कार्तिकेय, जय 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 हो। जग सुखकारी मंगलमय हो।
सौम्य रूप को कर विकराला, तारकासुर का वध कर डाला। दानव मानव देव किन्नर धन्य हुए ये धरती अंबर, तुम ही अक्षय अजय तुम ही हो। शिव शक्ति के नेत्र पुंज हो, शिव शक्ति के तुम हो साधन जग मुक्ति के। परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक, शालीनता का परिचय तुम हो। शिवपुत्र कार्तिकेय की शौर्यता, वीरता की गुणगाथा व स्तुति वंदना समस्त ब्रह्मांड करता ही रहा है। बालक कार्तिकेय बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि व अलौकिक शक्तियों का स्वामी था। उसके मन में सदा से ही नवीन घटनाओं के विषय में जानने की इच्छा थी। समय चक्र चलता गया और समय के साथ साथ कार्तिकीय बाल्यावस्था को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश कर गया। ओहो देवर्षि नारद प्रणाम। प्रणाम शिवपुत्र कार्तिकेय प्रणाम। यदि आपसे यहाँ भेंट न होती और मैं कैलाश चला जाता तो आपसे वहाँ भी भेंट न होती। भेंट का संजोग वहाँ का नहीं यहाँ का था, सो हो गई। नारायण नारायण, क्या आप पृथ्वीलोक की ओर भ्रमण के लिए निकले हैं? हाँ देवर्षि, ऐसा ही विचार है। देखना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कहाँ कहाँ क्या क्या घटित हो रहा है। घटनाओं के विषय में जानकर क्या करेंगे कुमार कार्तिकेय? अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव से अपने भविष्य का कार्य एवं लक्ष्य निर्धारित होगा। उत्तम, अति उत्तम। परंतु कैलाश से निकलते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बताकर तो आए हैं ना? जो सर्वज्ञ है त्रिकालदर्शी है उन्हें क्या बताता, बस चला आया। चलता हूँ देखूं पृथ्वी पर क्या हो रहा है। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। महादेवी, कुमार कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने कैलाश पर सब कहीं देखा पर वे कहीं नहीं मिले। कहाँ गए होंगे कुमार, आपको बताकर नहीं गए? नहीं, संभवतः भोलेनाथ से कहकर गए हो। मैं चलकर पूछ लेती हूँ। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी, तुमने कार्तिकेय को देखा? नहीं माता। तुमने देखा उसे? नहीं माता, मैंने भी नहीं देखा। स्वामी, न जाने कार्तिकेय कहाँ चला गया, किसी से कहकर भी नहीं गया, मुझसे भी नहीं। आप उसका पता लगाइए स्वामी। शांत हो जाओ देवी, कार्तिकेय भ्रमण के लिए गया है, लौट आएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। वह आपसे कहकर गया है? नहीं, कहकर तो नहीं गया। अर्थात आप अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर ये कह रहे हैं कि वह भ्रमण पर गया है? हाँ देवी, ऐसा ही है। स्वामी तो समाधि में लीन हो गए, अब मैं क्या करूं?
महेश्वर निश्चिंत हैं, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही हैं? कुमार भ्रमण के लिए गए हैं, तो लौट ही आएंगे। और फिर तारकासुर को मारकर विजय प्राप्त करने वाले को कैसा भय? वो तो शक्तिशाली और पराक्रमी है। आप भी तो शक्ति संपन्न है विजया। पुत्र कितना ही महायोद्धा हो और माँ कैसी ही शक्ति रूपा हो, फिर भी माँ का ये जो मन होता है ना, मन एक पुत्र की माता का मन बड़ा कच्चा और कोमल होता है। पर कुमार तो सदा सावधान रहते हैं। हाँ, वे परम योद्धा हैं, वे साहसी हैं, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। आओ पुष्पमाला बनाने का कार्य पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनिवर अगस्त एवं माता लोप मुद्रा दोनों को कार्तिकेय का सादर प्रणाम। अहो भाग्य, शिवपुत्र पधारे हैं हमारे आश्रम में। आओ कुमार कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है। अर्थात आप मुझे पहचानते हैं? हाँ। तारकासुर का वध कर देवगण के हित साधन करने वाले को कौन नहीं जानता? शिवपुत्र को कौन नहीं जानेगा कुमार। हमने भगवान शिव से प्रार्थना की कि दक्षिण खंड में शिव भक्ति के प्रचार के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें, और भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा, ये तो प्रसन्नता की बात है। नहीं माता, नहीं, मैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर शिव भक्ति का प्रचार करने नहीं आया हूँ। फिर किस प्रयोजन से पधारे हो कुमार कार्तिकेय? मात्र कौतूहलवश आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था, नीचे देखा तो आश्रम के पवित्र वातावरण एवं आपके दर्शन की इच्छा मुझे यहाँ ले आई। वैसे पिता शिव शंकर ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा है। कहने की आवश्यकता भी क्या है, उनकी लीला सदा निराली होती है। उन्हें जो कुछ करना होता है उसे कहते नहीं, पर किसी न किसी प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करते हैं। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा मुनिवर। मैं भगवान शिव का अभिप्राय समझ गया, और आप मेरा अभिप्राय भी नहीं समझे? स्पष्ट कहेंगे तो अवश्य समझ जाऊंगा। स्पष्ट क्या कहना है, केवल निवेदन करना है कि आप यहाँ रहकर शिव भक्ति की ज्योत जलाएं। मैं शिव भक्ति की ज्योत मैं जगाऊं? शिव पुत्र से अधिक कुशलता से और कौन कर सकता है इस कार्य को? कुमार, शुभ कार्य में विचार कैसा? मुनिवर, आपकी कामना पूर्ण अवश्य होगी, पर उसमें समय लगेगा। इस समय मुझे आप आज्ञा दीजिए। कारण? मैं माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही भ्रमण के लिए निकल गया था। यहाँ स्थापित होने के लिए भी मुझे उनकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। अवश्य, माता पिता के आज्ञा से किए गए कार्य ही शुभ, सफल और सुखदायी होते हैं। तुम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम माते। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद मुनिवर, मुझे जल्दी पहुंचना है, माता चिंतित होंगी। ओम नमः शिवाय। आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? क्या हो गया है आपको? पुत्र जब आंखों के सामने ना हो और माँ को यह भी पता ना हो कि इस समय वह है कहाँ, तब जो कुछ भी होता है वही मुझे भी हुआ है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं देवी, कुमार शीघ्र ही लौट आएंगे। आज तो अब तक आपने स्नान भी नहीं किया। दोनों कार्य एक साथ करना कैसे संभव किया जाए? दोनों कार्य? कौन से दोनों कार्य? स्नान करना और कार्तिकेय की चिंता करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकती तो एक एक करके तो कर सकती है। पहले आप स्नान कर लें। और तब तक कुमार भी लौट आएंगे, तो चिंता करने का दूसरा कार्य करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रही। चले स्नान के लिए। हाँ, तुम दोनों चलकर तैयारी करो, मैं आती हूँ। चलो।
नंदी नंदी। जी माता। नंदी मैं स्नान गृह में जा रही हूँ, तुम यही द्वार पर खड़े रहकर पहरा लगाना और सावधान, किसी को भीतर ना आने देना। मेरे होते हुए भीतर आने का कौन दुसाहस करेगा? उचित है, ध्यान रखना। क्षमा करें भगवान, भीतर जाना वर्जित है। क्या कहा? मेरा भीतर जाना वर्जित है? तू अपनी सुध बुध और चेतना में तो है, तुझे ध्यान ही नहीं किससे कह रहा और क्या कह रहा है। मैं देवाधिदेव शिव शंकर से कह रहा हूँ, महादेवी के आदेश के वश में होके कह रहा हूँ। उनका आदेश है कि किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। निर्बुद्धि, मेरी गणना तो किसी में करता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये सत्य तो संपूर्ण जगत जानता है स्वामी, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। केवल महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा है, महादेव की आज्ञा का नहीं? अवश्य करूंगा। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे मार्ग से हट जा। ऐसी आज्ञा ना दे भगवान जो महादेवी की आज्ञा का विरोध करे। मेरा सेवक बनता है, मुझे स्वामी कहता है और आज्ञा मानता महादेवी की। मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ, मुझे धर्म संकट में ना डाले भगवान। चल, धर्म संकट में नहीं डालता, एक और डाल देता हूँ। चल हट। माता पार्वती क्षमा करना। क्या सोच रही हो माँ? अरे कार्तिकेय, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे लिए कब से चिंता कर रही हूँ। तुझे अपनी माँ की क्या तनिक भी चिंता नहीं है? मुझे छोड़कर कहाँ कहाँ चला जाता है तू? अब भविष्य में जहाँ भी जाए मुझसे पूछ कर जाना। पर बता तो, कहाँ गया था तू? मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर? क्या सोच रही हो देवी पार्वती? आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया देवी। ये क्या स्वामी? क्यों, क्या हुआ? आप इस प्रकार स्नान कक्ष में कैसे चले आए? मैं तो भयभीत ही हो गई थी। अपने स्वामी से भयभीत हो गई? ये क्या, स्वामी को तो कभी भी कहीं भी आने का अधिकार होता है पार्वती। अधिकार? अधिकार की कोई सीमा और कुछ समय होता है? स्वामी अब आप जाएं और मुझे स्नान करने दें। जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदी, नंदी। आज्ञा करें माता। आज्ञा नहीं, प्रश्न करना है। जब तुम जानते थे कि मैं स्नान कर रही हूँ तो अपने स्वामी को भीतर आने से रोका क्यों नहीं? रोका था माता। रोका था? किसे रोका था और कौन रुका? वे तो भीतर आ गए थे, फिर रोका कब और किसे? इसे तुम रोकना कहते हो? मैंने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था और उनसे ये भी कहा था कि माता पार्वती स्नान कर रही है, भीतर ना जाए भोलेनाथ। पर क्या? पर वो मुझे धकेल कर भीतर चले गए। ऐसे में मैं और अधिक क्या कर सकता था? वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। तुम उनके सेवक हो? यदि मेरे सेवक होते तो तब भी क्या धक्का मारने से हट जाते और उन्हें भीतर आने का मार्ग दे देते? बोलो, उत्तर दो। कहा तो मैंने भी था कि देवी स्नान कर रही है, पर महादेव ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भला हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? माता, देवादि देव को रोकने का साहस कौन कर सकता है? तुम सभी विवश और असहाय हो, तो तुम सब जाओ यहाँ से। हमारे चले जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? कैसी समस्या? सुरक्षा की समस्या, कल फिर ऐसे प्रकार की घटना घट सकती है। महादेव तो आपके पति हैं, इसलिए ये घटना इतनी दुखद नहीं हुई। अन्य कोई होता अथवा भविष्य में कोई हुआ तो? सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। एकांत सुरक्षा के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ही नियुक्त करना होगा।
यहाँ तो सब महादेव के गण हैं, उनकी सेवा में हैं। आपका कोई गण नहीं जो आपकी सेवा सुरक्षा करे। नंदी आपका गण होता तो क्या सरलता से महादेव को प्रवेश करने देता? स्वामी की स्वामी भक्ति में स्वामिनी की सुरक्षा का कर्तव्य पूर्ण करने में वह चूक गया। ठीक कहती हो तुम दोनों, मुझे इस विषय में गंभीरता से विचार करना ही होगा। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। आप कुमार कार्तिकेय को अपनी सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं सौंप देती? वो आपका प्रिय पुत्र है। कार्तिकेय, वो तो पहले शिव पुत्र है, फिर माता का पुत्र है, फिर वो एक स्थान पर रहता भी तो नहीं, स्थान स्थान पर भ्रमण करता ही रहता है। मुझे इस विषय में कुछ उपाय करना ही होगा। पार्वती, कौन हो तुम? यह कैसा प्रश्न है? स्वयं को नहीं पहचानती? मैं? तुम? हाँ, तू मेरा सगुण रूप है और मैं तेरा निर्गुण रूप हूँ, शक्ति, शिवा। तो एकाकार यह रूप भिन्न क्यों हो गया? लीला की रचना के लिए। लीला? कैसी लीला? लोक कल्याण की, जनहित की। कौन करेगा यह लीला? तेरा पुत्र। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसने तुम्हारे शरीर से जन्म नहीं लिया है। वह तुम्हारा पुत्र होते हुए भी तुम्हारा नहीं है। वह मेरा पुत्र नहीं है? है, पर नहीं है। पुत्र माता के रक्षक होते हैं, सगुण माता के। तू सगुण माता है। कार्तिकेय भ्रमण प्रिय है, मयूर उसका वाहन है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, तो अन्य उपाय क्या है? सूक्ष्म जगत उपायों से पूर्ण है, उसे स्थूल जगत में लाना होगा। कैसे? अपने संकल्प से। संकल्प द्वारा अपनी देह से देहज पुत्र को जन्म देकर वही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे शरीर के तेज पुंज से उत्पन्न होने के कारण वह अद्भुत और विलक्षण होगा। अद्भुत और विलक्षण? हाँ, विविध लक्षणों से पूर्ण और अद्भुत। उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा। Oh.
मेरा पुत्र, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। यह मुझसे तुम्हारा निकटतम संबंध है जो कि जगत में होता है माता और पुत्र का। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है। गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन मन प्राण प्रण से सेवा करूँगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूँगा। माता से अधिक और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूँगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरी कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा माता। तभी देवगण कैलाश पहुँच भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अपने लोक लौट जाते हैं। कार्तिकेय की वीरता सुन कृतिकाएं पार्वती से अपना पुत्र वापस मांगती हैं, परंतु शिव व कार्तिकेय के समझाने पर लौट जाती हैं। पार्वती नंदी को स्नान कक्ष की निगरानी सौंपती हैं, परंतु नंदी शिवजी को नहीं रोक पाता। तत्पश्चात माँ पार्वती स्वयं की एकांत सुरक्षा के लिए अपने शरीर के मल उपटन से एक पुतला बना उसमें प्राण फूंक गणेश नाम दे कक्ष के बाहर निगरानी के लिए भेजती हैं। गणेश कक्ष के बाहर शिव जी को आते हुए देखते हैं। जय माता की। सावधान, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो एक पग आगे ना बढ़ाना। हे देश बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? पहले बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ, मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदि देव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार्ग दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है, अब मुझे भीतर जाने दो। मेरे कर्तव्य निष्ठ होने और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय सुधा उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरी सुताय गणपति गणेश। गौरी सुत? मुझे अब तक याद नहीं,
कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? यत होगा भी कैसे, मैं तो अजन्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यही खड़ा हूँ। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर निरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं? जैसे मैं यहाँ से हटूंगा, आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। हटी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। नहीं तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। इस बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ? वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल, हट जा नहीं तो। बालक पर वार करना उचित नहीं, मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे, मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? बंद करो ये सब। आप क्रोध में हैं स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन है भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदी, तुम्हारी भी मति मारी गई है। एक तो उस बालक ने दुष्टता की, और अब तुम प्रश्नों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कक्षद्वार पर वो खड़ा है, और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध जोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आओ भृंगी, चलो मेरे साथ। सावधान, एक पग भी माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो माता का नाम लेके माथा फोड़ दूंगा तुम सबका। बालक तो बड़ा उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है, और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात सुनने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते, तो फिर तू मेरा बड़ा प्रहार क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत, ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं। फिर भी देता हूँ, मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? ए, अपनी वाणी और भाषा को वश में रख, मैं कोई जल की बूंद नहीं जो टपक पड़ू। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। प्रकट हुआ हूँ? क्यों हुए हो? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? किसने कहा था प्रकट होने के लिए? अरे उद्दंड, अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोक कर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे पग को तो तने खिला के दिखाओ। अभी तुझे गेंद की तरह उछाल देते हैं। चलो ये। <या। laughs>
ये चित्कार कैसा है? देखती हूँ कैसी चित्कार है। जय माता की। कौन हो तुम? अपनी माता का पुत्र जो बीतल है। पर ये बालक यहाँ कहाँ से आया? पहले तुम बताओ कि तुम दोनों भीतर कैसे पहुँच गईं? तुम जिसे अपनी माता बता रहे हो, हम उनकी सखियाँ हैं। अर्थात मौसी? हाँ। एक माँ दो दो मौसी। तुम गई थी चित्कार सुनकर और लौटी हो हंसते हुए, क्या हुआ? वहाँ बाहर एक बालक खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए हैं। वो तुम्हें अपनी माता बता रहा है, वह सत्य ही कह रहा है। क्या? क्या? हाँ, मैंने ही उसे जन्म दिया है। एक बालक के हाथों पिट गए तुम सब, ला जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी ना माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज, चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है, ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर यह बालक है कौन प्रभु, और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछें पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। हाय शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ अवश्य कोई उपाय करेंगे,
मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और दृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे हैं। अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद तुम ही कहो कि समस्या क्या है। परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है। वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब ये विषय भगवान शिव के सम्मुख आया तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहाँ भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें ये आदेश है कि हम आपसे तथा श्री हरि विष्णु से ये कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, ये रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि यह सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिवलीला है। शिवलीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, ये तो शुभ ही है, परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णु लोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझे ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमन स्वीकार करें परमपिता, और श्री हरि विष्णु आप भी। कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहाँ? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूँ यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूज्यगण? आओ हम सब देवेश्वर से विनती करें, वे ही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहाँ है वो उदंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ देखें तो, ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए।
सावधान, मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो, मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो, अर्थात मुझे ना समझ समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते। हम तो तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे, तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण, हटाओ इस बालक को। ला, मैं स्वयं तुझे हटा देता हूँ। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं, मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या? बोले मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूं कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं, धन्य है वीर बालक तेरा ये साहस, तेरा ये बल, धन्य है। इस विनाश लीला का अंत करें महादेव। Thank you.
आज्ञा दें। हे प्रबल शक्तियों, महाप्रलय मचा दो। देव, दानव, शिवगण, उन सभी का सर्वनाश कर दो। हे महाशक्ति, हे महामाया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे नौ दुर्गे, इस हाहाकार को समाप्त करो। देवी, समाप्त करो, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। हे महाशक्ति, हे मातेश्वरी, जगत को सर्वनाश से उबारिए। हमारे अपराध क्षमा करो महामाया, हमारे अपराध क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। क्षमा करें महाशक्ति, क्षमा करें। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें। Bye.
बीता समय भी तुमसे काल भी जीवन मांगे माँ मेघ भी जल की भिक्षा चाहे मेघ भी जल की भिक्षा चाहे बिजुरी गर्जन मांगे माँ बिजुरी गर्जन मांगे माँ देव कुबेर भी आके द्वारे तुमसे अन्न धन मांगे हो जाए महाशक्ति हे महामाया लोकहित के लिए शांत हो जाएं। इस विनाश से किसी को लाभ नहीं होगा महादेवी मेरी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा मेरे पुत्र का वध क्यों किया गया जिसके पुत्र का वध कर दिया गया हो उस माता को आप शांत रहने के लिए कहते हैं क्या ऐसी माता शांत हो सकती है फिर आप कैसे शांत होंगी महामाया एक तो मेरे पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें दूसरा देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसा अधिकार दें तभी मैं शांत होंगी अन्यथा महाप्रलय अनिवार्य है हम प्रयत्न करते हैं भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ गणेश को अवश्य पुनर्जीवन देंगे हे महाशक्ति हे महामाया देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजित हो ऐसे अधिकार को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे अब हम सब सदाशिव के पास जाते हैं आई एम ड्रीम क्लीन